हाँ भाई लोग, कैसे हैं सबके साथ। नमस्कार, औरा पार्टी यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत सारा स्वागत करता हूँ और मेरा नाम है गोपाल। गाइस, आज का इस वीडियो में बॉटम नेविगेशन बार एक्टिविटी इन स्केच ओयर, इसका रिलेटिव मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है और उस टाइम ओल्ड स्केच ओयर था और अभी का जो स्केच ओयर है वो नया है और उसका अंदर सपोर्ट करता है एंड्रॉयड एक्स। तो अभी जो ये बॉटम नेविगेशन बार बनेगा ये एंड्रॉयड एक्स का ऊपर बनेगा और नया वाला स्केच ओयर में ये प्रोजेक्ट सपोर्ट करेगा। अगर आपको पता करना है, देखना है तो इसी वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सब कुछ डिटेल्स में इसी वीडियो में पता चल जाएगा। ओके, तो और बोल के चलिए वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। तो बना लेते हैं, सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे नेविगेशन बार। यहाँ पे एक फ़ोटो बना के रखा है तो ये वाला फ़ोटो हमने यहाँ पे दे दिया है बॉटम नेविगेशन बार का, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, तो इसका पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोजेक्ट एक क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लीनियर को लेते हैं, ये लीनियर को ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप कोई भी लीनियर को लीजिए, इस लीनियर को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है, इसका पर क्लिक करके आप उसको लीनियर भी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीनियर एच में भी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको मैंने रखा है लीनियर एच में, लीनियर हॉरिजॉन्टल, और इसको मैंने रख देंगे लीनियर वर्टिकल, लीनियर वर्टिकल, ठीक है। मतलब ये वाला लीनियर है, ये वाला ये जो लीनियर आपको दिखा दे रहा है, ये वाला ये है और ये वाला ये एच है, लीनियर हॉरिजॉन्टल, लीनियर वर्टिकल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे ये देखिए ये मोबाइल का नीचे की तरफ है, 1 2 3 4, आपको 2 4 चाहिए, आपको 3 चाहिए, आपको 2 चाहिए, जितना मर्जी आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक डिजाइन से बना हुआ है तो हम इस तरह का डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो कितना करेंगे, कम से कम हम यहाँ कर देंगे 80, ठीक है। सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा कुछ अलग ही कर दिया। इसका हाइट को हम कम करेंगे, बड़ा करेंगे, तो 70 कर देता हूँ, ठीक है। और इसका पर प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो ये जो है ये है, इसको हम 1 कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने कर दिया है और इसको हम कर देंगे सेव, ये वाला का हम 1 कर देंगे। देखिए इसको हम 1 करके सेव कर देंगे तो सेव हो गया है। तो इसका अंदर हम लीनियर का पेजेस बनाएंगे, ठीक है। इसका अंदर हम क्या करेंगे, इसका अंदर हम लीनियर का पेजेस बनाएंगे। तो ये जो लीनियर है इसका इस्तेमाल करके हम पेजेस बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से, तो इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकल कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से हम इसको वर्टिकल कर देंगे, ठीक है। वर्टिकल करके सेव कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से वार्प कर देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो, मतलब कैसे, देखिए गाइस यहाँ पे आपको, मतलब ये जो लीनियर वी है ना, आपको यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको दिखा दिया है। लीनियर वी को ही आप डायरेक्ट ले लीजिए, इतना ऐसा करके ले लीजिए, लीनियर वी है ये वाला, जो है ना ये वाला लीनियर वी, इसको ही आप ले सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको जितना पेजेस चाहिए उतना ले लीजिए, मतलब जब भी आप इसका पर क्लिक करेंगे तो एक एक पेजेस निकल के आता है ना, अलग अलग पेजेस, इसका पर क्लिक करेंगे तो अलग पेजेस निकल के आएगा, इसका पर क्लिक करेंगे तो अलग पेजेस निकल के आएगा। तो वो जो पेजेस है आपको ये लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जितना पेजेस चाहिए, जितना आपको यहाँ पे बटन चाहिए, यहाँ पे आपको जितना बटन चाहिए आपको उतना बटन लेना पड़ेगा, उसके साथ में आपको सभी एक मतलब उतना पेजेस आपको यहाँ पे चाहिए। तो 1 2 3 4, तो मेरे को मतलब 4 चाहिए तो मैं 4 ले लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सभी का जो है आईडी आपको चेंजेस करना पड़ेगा, ये जितना भी है सभी का आपको आईडी चेंजेस करना पड़ेगा, तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो सभी का मैंने आईडी चेंजेस कर दिया है। ये जो है इसको मैंने रखा है लीनियर मेन, मतलब मेन लीनियर, मतलब मेन पेजेस। और इस ये जो लीनियर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा बटन रहेगा, तो इसका मैंने आईडी चेंज कर दिया है। यहाँ ये रहा आईडी, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका मैंने रखा है नेविगेशन लीनियर, नेविगेशन लीनियर ये वाला है, ये वाला मेन है। और ये जो है ये पेजेस है,
पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 3 है ये देखिए, और पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 1 है। ठीक है, आपको अपना हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। जो भी बटन रहेगा होम, तो आपको होम पेजेस, सेटिंग, सेटिंग पेजेस, प्रोफाइल, प्रोफाइल पेजेस, अगर आप इस तरह से आईडी बना लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा समझने के लिए जे कौन सा बटन प्रेस करने पर कौन सा पेज खुलेगा। ठीक है, तो ये सभी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक कलर दे देता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर ये हाँ कलर दे देता हूँ, नहीं कलर नहीं ये दे देता हूँ, इस तरह से मैं दे देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं मैच कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें भी मैं कुछ दे देता हूँ इस तरह से, सभी पेजेस में मैं कुछ कुछ ना कुछ दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको मैंने मैच करेंट कर दिया ना, आपको ये सभी पेजेस को मैच प्रिंट कर देना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी है सभी को आप मैच प्रिंट कर दीजिए, इसको भी मैं कर देता हूँ मैच प्रिंट, और इसके अंदर मैं कुछ रख देता हूँ, ये रहा, इस तरह से रख देता हूँ, और इसका अंदर भी इसको भी मैं मैच प्रिंट कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से। ओ आपको बस समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ मैच प्रिंट, तो इस तरह से मैं रख दे रहा हूँ हर एक चीज़। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक एक करके रख दिया है। आप चाहे तो इसका जो ये है ना, ये वाला ये जो पेडिंग है, इसका पेडिंग है मेन लीनियर का पेडिंग आप जीरो कर सकते हैं, तो थोड़ा सा देखने के लिए अच्छा रहेगा, ये सभी का बारे में आपको पता होगा, तो इसको मैं नहीं देता हूँ अभी। ठीक है, तो सभी का अगर आप जीरो कर देंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि बराबर दिखने के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बन चुका है, अभी हम यहाँ पे इसका नेविगेशन बनाएंगे, तो इसके ऊपर आ जाएंगे और मोर ब्लॉक लिखा हुआ है, मोर ब्लॉक पर क्लिक कीजिए। मोर ब्लॉक हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो प्लस का आइकन है और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉटम नेविगेशन बार, इस तरह से हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे, बस यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ चुका है, और यहाँ पे हम ऐड सोर्स डायरेक्ट का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे हम और एक ले लेंगे ऐड सोर्स डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे देखिए हमने दोनों को ले लिया है। अभी क्या करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कोड, ये जो कोड है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपके पास अगर स्केचशेयर एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको ये कोड मिल जाएगा, तो ये कोड को आपको सिंपली कॉपी करना है यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो पेस्ट कर देंगे और इसको मैं कट कर देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ से आपको .com.google यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद और भी एक कोड है नीचे, उसका नीचे 2728, ठीक है, ये दोनों कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, हो गया, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ये देखिए हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये दोनों को हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो गाइस हमने दोनों कोड को पेस्ट कर दिया है, अभी आपको क्या करना है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये जो नेविगेशन लीनियर है, इसका कोड को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, ठीक है, और क्या करेंगे, जाएंगे मोर ब्लॉक में और नेविगेशन इसमें ऊपर वाला जो ये वाला है ना कोड, ये वाला कोड है, ये ऊपर का जो कोड है दिखा देता हूँ, ये वाला कोड है, इसका पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो भी आपका लीनियर रहेगा उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ये कर देंगे इसको हम पेस्ट, भाग गया यार, इसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये गया, हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, और हम इसको अभी क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी एक्टिविटी यहाँ पे रहेगा, मेन एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है, आपका लॉगिन एक्टिविटी है, डाउनलोडिंग एक्टिविटी है, रजिस्टर, मतलब जो भी होम एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, मतलब जो भी एक्टिविटी में आप ये नेविगेशन बार बना रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा, तो आप जो भी एक्टिविटी में आप ये बना रहे हैं उसी एक्टिविटी का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसका पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए मेन एक्टिविटी लिखा हुआ है,
सिर्फ आपका अगर होम एक्टिविटी है तो होम लिख दीजिए, इसको काट के यहाँ से काट के आप होम दे दीजिए। डाउनलोड एक्टिविटी में अगर आप बना रहे हैं नेविगेशन डॉयर तो आप नेविगेशन बटन सॉरी तो आप यहाँ पे दे दीजिए। जो भी एक्टिविटी में आप बना रहे हैं उसको आप यहाँ पे दे दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो एरर आएगा। तो फिलहाल मैं मेन एक्टिविटी में इसको बना रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको मेन एक्टिविटी में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेन एक्टिविटी दे के रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम देख लेते हैं, पहले यहाँ पे आपको कितना बटन चाहिए, ठीक है, आपको कितना चाहिए ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आपको 1 2 3 4 चाहिए या फिर आपको 1 2 चाहिए, 2 चाहिए या फिर आपको 1 2 3, आपको 3 चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 या फिर आपको 5 चाहिए, मतलब आपको जितना बटन यहाँ पे ऐड करना है उतना पेजेस आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हमने 4 बटन लिया है, 4 पेजेस को ऐड किया, तो हमने सॉरी गाइस तो हमने यहाँ पे 4 पेजेस को ऐड किया, 4 पेजेस को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पेजेस 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 4 बटन लेंगे। आपको जितना बटन ज़रूरत है आप उतना बटन लगा सकते हैं, ज़्यादा मत लगाइए नहीं तो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको जितना बटन चाहिए आप उतना बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किसको कॉपी करेंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा ये हट जाओ भाई, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, और इसको हम नीचे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और सॉरी थोड़ा कट कर देना इसको मैं इस तरह से, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ, आपको जितना बटन चाहिए, फिलहाल मेरे को कितना बटन चाहिए, मेरे को 1 2 3 4 बटन चाहिए, तो हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, ये 0 है, इसको हम कट करके कर देंगे 2 कर देंगे, और इसको कट करके हम कर देंगे 3, और इसको हम कर देंगे डी, ठीक है, डी कर देंगे, और इसको हम कर देंगे सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे बटन नंबर ए जो एंड्रॉयड कोड में जो नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ठीक है, ये 0 का मतलब है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो एंड्रॉयड कोडिंग में 0 से नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है ना, तो हम यहाँ से 0 से ही लिया है। तो नंबर मतलब बटन ए, बटन बी, बटन सी, बटन डी, तो यहाँ से 0 1 2 3 4, शायद आपको ये जो चारों बटन मैंने लिया है, अगर आपको 4 से 8 बटन चाहिए तो आप इसको डी ई एफ जी एच करवा दीजिए, 3 4 5 6 7 करवा दीजिए। तो ज़्यादा बटन लगाएंगे तो वो वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप 4 से 5 2 मतलब 5 से ज़्यादा बटन नहीं मत लगाइए, तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आइकॉन देना पड़ेगा, इसका जो आइकॉन है उसका जो फोटो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका जो ये जो आइकॉन है जो फोटो दिखाई दे रहा है, जो फोटो उसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो उसका फोटो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे देंगे फोटो, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपल हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम उसका नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, तो ठीक है, हमारा ए बी बन गया। हम इसको सी डी कर देंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सी और डी कर देंगे। आपको थोड़ा सा इसको देखिए, आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको डी करना पड़ेगा। मिस्टेक हो गया दोस्तों, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, किधर भाग गया रे भाई, हाँ डी, ठीक है। तो हमने देखिए हमने यहाँ पे डी कर दिया है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है देखिए होम प्रोफाइल, ये देखिए होम प्रोफाइल लिखा हुआ है, हम इसको सेटिंग देंगे और एक कुछ दे देंगे, इसको हम चेंजेस कर देते हैं। ये नाम है, ये जो नीचे जो नाम लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे जो नाम लिखा हुआ है, ये नीचे वाला नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये देखिए हर एक चीज़ में आपको मिलेगा, ये देखिए इसमें, देखिए इसमें भी आपको यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा होगा नीचे नाम लिखा है, तो वो नाम को हम यहाँ पे टाइपिंग करेंगे, इसको हम कट कर देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 सेटिंग दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट हो जाए भाई, इसमें तो हो ही नहीं रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने स्टोर लिख दिया है और यहाँ पे मैंने सेटिंग दे दिया है, तो हमने नाम को बना लिया। अभी क्या करेंगे, हम
इसका जो आइकॉन है सेट आइकॉन, सेट आइकॉन, ठीक है, तो हम इसका आइकॉन चेंज करेंगे। तो एक दो तीन चार आइकॉन हमें चाहिए, तो हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम आइकॉन लेंगे, इसका पर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इसका पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्केच वायर का जो आइकॉन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप पर्सनल आइकॉन ले सकते हैं या फिर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आइकॉन का आईडी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक आइकॉन ले लेंगे, किस तरह कोई कुछ भी आइकॉन हम यहाँ पे ले लेंगे, इस तरह से इसको ले लेंगे, इसका हम चेंज कर देंगे, इसका हम दे देंगे, ठीक है। आपको आपको इसका आईडी ध्यान से लिखना है, जो भी आइकॉन है उसी का हिसाब से आपको यहाँ पे आईडी देना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी आईडी यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। हम कुछ भी दे देंगे, इसको ले लेंगे आइकॉन, आइकॉन आइकॉन ए, ठीक है, आइकॉन ए, इस तरह से हम दे देंगे आइकॉन ए, और इसको हम कर देंगे सेव। दूसरा आइकॉन ले लेंगे कुछ भी, आइकॉन बी, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे आइकॉन बी, ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। तीसरा ले लेंगे, ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है, देखिए जैसे ये कॉन्टैक्ट का है ना, आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट आइकॉन, आइकॉन सी, सॉरी आइकॉन सी, और एक ले लेंगे। आपको इसका आईडी सही से लिखना है, जिस रिलेटिव, देखिए ये, देखिए ये डायलर है, देखिए वो वाईफाई का है ना, तो आपको यहाँ पे जो आईडी बना हुआ है इसका आपको सही से लिखना पड़ेगा, या फिर आप इस आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाईफाई, वाईफाई लिखिए, वाईफाई आइकॉन, वाईफाई, इस तरह से, इस तरह से देखे आइकॉन, इस तरह से आप लिख सकते हैं वाईफाई का आइकॉन या फिर वाईफाई इमेज। तो हम दे देंगे आइकॉन डी, सॉरी डी, आइकॉन डी, तो आइकॉन ए, आइकॉन बी, आइकॉन सी, आइकॉन डी, तो हमने यहाँ पे ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे मतलब नेविगेशन में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका आइकॉन को चेंज कर देंगे। ये जो हमने लिखा है इसको आपको आइकॉन को चेंज करना है, कहाँ से कहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कट कर दूँगा, यहाँ से कट कर देता हूँ इसको, इस तरह से, हाँ इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आइकॉन ए, और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कट कर देता हूँ, आइकॉन बी, ठीक है, और इसका यहाँ से आइकॉन सी, ठीक है, उसका यहाँ इसका भी चेंज कर देता हूँ, दिखाई नहीं रहा है भाई। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे दे दिया है, आपको सिर्फ ये जो डॉट लिखा हुआ है, डॉट डॉट का आगे से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आइकॉन सी, आइकॉन डी, ये यहाँ से जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से डॉट का ये तरफ से, बाकी सब वैसा ही रहेगा। आपको बस आइकॉन का आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा, ए बी सी डी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करा कम्प्लीटली बना लिया है, हम इसको सेव कर देंगे। अभी चलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमने क्या किया, हमने इसको तो बना लिया, ठीक है। अभी इसका पर जब भी क्लिक करेंगे तो ये एक बटन की तरह काम करेगा, ठीक है ना, ये एक बटन के जैसा काम करेगा, तो उसे भी हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका जो नीचे वाला कोड है उसका पर क्लिक करेंगे, तो हमने यहाँ पे 1 2 है, ए बी है, सी डी बनाना पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको हम कर देंगे कॉपी, इसको हम इस तरह से कट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, ये देखिए इस तरह से, और इसको भी मैं कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझा देता हूँ, नहीं तो आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा। देखिए ये रहा, अभी मैं इसको कर देता हूँ सी, सॉरी सी, और अभी मैं इसको कर देता हूँ डी, ठीक है डी, ये देखिए अभी मैंने इसको कर दिया ए बी, ए बटन, बी बटन, सी बटन, डी बटन, ठीक है। तो उसका भी नाम आपको वैसा ही चेंज करना पड़ेगा। होम प्रोफाइल है, यहाँ पे हमें सेटिंग लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें स्टोर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिख के रखा है ये देखिए, यहाँ पे प्रोफाइल, सेटिंग और स्टोर, तो हम इसको यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा सेटिंग स्टोर, ठीक है,
HTOR। तो देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ पे देखिए बटन नंबर ए होम बटन, बटन नंबर बी प्रोफाइल बटन, बटन नंबर सी सेटिंग बटन, बटन नंबर डी स्टोर बटन, कॉल कॉल लिखा हुआ है मतलब उसको बुलाओ, ठीक है कॉल करो मतलब ठीक है किसी को कॉल करो मतलब उसको बुलाओ, ठीक है ना। तो जब भी ये जो है ये एक बटन का तरह काम करेगा, बटन नंबर ए बटन नंबर बी सी डी होम बटन प्रोफाइल बटन सेटिंग बटन स्टोर बटन, ठीक है हमने यहाँ पे बना लिया है, हम इसको सेव कर देंगे। और एक बात आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये एक बटन है, ठीक है बटन है ये जो बटन है, तो क्या हो गया इसको हम सेव कर देना जल्दी से, नहीं तो ये सेव कर देते हैं। तो अभी अभी क्या होगा, हमने तो ये बटन बना लिया, ठीक है ना ये तो बटन हमने बना लिया, तो जब भी इस बटन का पर क्लिक करूँगा तो ये एक्टिविटी चालू होगा। ये जो स्क्रीन है, जब ये मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन में अलग अलग तरह का पेजेस दिखाई देगा, तो वो हमें बनाना है अभी, ठीक है हम इसको बैक कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जो मैंने पेजेस बना के रखा है, यहाँ पे जो हमने 1 2 3 4 पेजेस बना के रखा है, जब भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अलग अलग पेजेस दिखाई देगा, तो उसके लिए हमें वो भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कॉल होम लिखा हुआ है हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से कॉपी कर लेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम इसको सॉरी बैक कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे मोर ब्लॉक क्रिएट करेंगे, इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है एट। तो देखिए यहाँ पे बन गया। तो गाइस देखिए मैंने एक एक करके बना लिया है, कॉल होम कॉल प्रोफाइल कॉल सेटिंग कॉल स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से दिया गया है आपको मैंने दिखाया, अभी ये नीचे वाला का पर क्लिक करता हूँ मैं इसका ऊपर, तो यहाँ पे देखिए कॉल प्रोफाइल कॉल सेटिंग कॉल स्टोर है ना। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे बना लिया है, एक एक बना लिया है, मतलब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, किधर गया हाँ ये रहा। तो ये देखिए यहाँ पे जब भी मैं इसका ऊपर ये क्या आ गया, जब भी मैं इसका पर कॉल करूंगा मतलब टैप करूंगा कॉल करूंगा तो क्या होगा, इसका पर टैप करूंगा तो क्या होगा है ना, तो ये पेजेस दिखाई देगा है ना। तो ये देखिए और एक बात, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर में ये वाला दिया है, 1 2 3 4 नंबर में ये है, ठीक है नंबर में है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है यहाँ पे देखिए नंबर में है 0 से लेकर 1 2 3 4 नंबर में ये बटन दिया गया है। तो हम कॉल होम का पर क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, टैप करने के बाद हम यहाँ पे एक नंबर लेंगे, वेरिएबल का पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबर है हम दे देंगे नंबर, नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉल होम है ये कितना नंबर पे है यहाँ पे हम देख सकते हैं, बटन नेविगेशन बार का पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नंबर 0 में है ए, नंबर बी में 2 3 4 है, ठीक है इस तरह से हम दे देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे होम वाला है ए में बी में सी में डी में, ठीक है तो डी में 3 है सी में 2 है, इस तरह से आप देख सकते हैं कितना नंबर में आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला। तो आपको तो मैं एकदम और क्या करूँ, हाँ कॉल होम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नंबर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम दे देंगे नंबर और यहाँ पे कितना था 0 था, 0 कर देंगे इस तरह से, 0 कर देंगे, ठीक है बैक कर देंगे। हम प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे नंबर को ले लेंगे, ये कितना नंबर में था, ये था 1 नंबर में था, और इसको हम कर देंगे नंबर। तो इस तरह से हम सभी में कर देंगे, ये नंबर 3 में था, ये वाला जो है नंबर 3 में है, इस तरह से हम कर देंगे, इसको भी हम कर देंगे नंबर, ठीक है नंबर सेलेक्ट और इसको हम कर देंगे 3, ये भी था नंबर 3 में था, ये नंबर 3 में था, 3 नंबर 3, और इसको हम क्या करेंगे सेव कर देंगे, ठीक है देखिए सेव। अब क्या करेंगे हम जाएंगे बैक कर देंगे, ये बैक बटन का पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम चलेंगे स्टोर में, इसका पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नंबर डालेंगे, नंबर दे देंगे इस तरह से, यहाँ पे देंगे नंबर 3 और एक मिस्टेक हो गया गाइस, ये जो नंबर 2 है ये 0 है 1 है ये 2 होगा, ये नंबर मैंने 3 दे दिया, ये 2 होगा, सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है ओके गाइस। तो देख लीजिए 0 1 2 3 ये 1 है ना, हाँ 1 है, ठीक है। और एक गाइस देखिए यहाँ पे तो हमने सही ठीक कर दिया, यहाँ पे तो हमने सब कुछ बना लिया है, लेकिन जो
एप्लीकेशन ये मोबाइल ऑटोमेटिकली करेगा, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली करेगा। जब भी मैं ये एप्लीकेशन ऑन करूँगा तभी यहाँ पे ये दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये शो करेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं इवेंट में, जो काम मोबाइल ऑटोमेटिकली करेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोर ब्लॉक में जो ये नेविगेशन बनाया है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे। देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया। तो जब भी क्या होगा, जब भी ये वाला, जब भी एप्लीकेशन ओपन होगा तो ये वाला शो करेगा, क्योंकि हमने इवेंट में यहाँ पे हमने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद जब भी मैं ओपन करूँगा तो कौन सा नंबर का पेज होम स्क्रीन पे रहेगा, मतलब यहाँ पे कौन सा पेजेस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पेज नंबर 1, मतलब ये जो पेज है ये पेज नंबर 1 है, ये यहाँ पे शो करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए, मतलब कौन सा बटन का पेज, यहाँ देखिए कौन सा बटन का पेज आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। सबसे पहले जब भी आप मोबाइल को एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तभी आप कौन सा पेजेस को देखना चाहते हैं, कौन सा बटन का पेजेस को देखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो बटन है इसका पेजेस यहाँ पे दिखाई दे। तो ये जो बटन है ये कितना नंबर पे है मेरे को पहले देखना पड़ेगा। ये जो पहला जो बटन रहेगा उसका कितना नंबर पे है, ये वाला होम, इसका कितना नंबर पे है, नंबर 0 पे है, 0 में है। तो ठीक है हम इसको बैक कर देंगे, बैक करके चलते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पहला ही जब भी एप्लीकेशन को जब भी मैं एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो एप्लीकेशन ये मोबाइल ऑटोमेटिकली उस पेजेस को दिखाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटिक में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे चलते हैं नंबर में, नंबर को ले लेंगे यहाँ से इस तरह से नंबर, तो 0 यहाँ पे हम 0 कर देंगे, क्योंकि 0 नंबर वाला बटन का 0 कर देंगे, सेव कर देंगे, नंबर देके ऐप कर देंगे। क्योंकि देखिए 0 क्यों मैंने क्यों दिया आपको बता दिया मैंने अभी, क्योंकि मैं इस बटन का पेजेस को या फिर आपको अगर इस बटन का पेजेस को दिखाना चाहते हैं या फिर इसका दिखाना चाहते हैं तो जो भी इसका नंबर है आपको यहाँ पे उस नंबर को डालना पड़ेगा, ठीक है, डालना पड़ेगा तो जाके ये दिखाई देगा। तो ठीक है अभी ये बन गया है। अभी क्या होगा जब भी मैं इस बटन का ऊपर प्रेस करूँगा तो जो पेजेस दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने टोटल 4 पेजेस लेके रखा है, पेज 1, 2, 3, 4 पेज यहाँ पे मैंने रखा है। तो कौन सा बटन का ऊपर प्रेस करने पर कौन सा पेज दिखाई देगा और कौन सा बटन का ऊपर प्रेस करने पर कौन सा पेज नहीं दिखाई देगा वो हमें बनाना है। मतलब मैंने ये यहाँ पे 4 पेजेस लेके रखा है मैं, तो कौन सा बटन का ऊपर मैं क्लिक करूँ तो कौन सा नंबर, मतलब कौन सा पेज दिखाई देगा, तो वो भी हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं होम पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने लीनियर का इस्तेमाल किया है तो हम यहाँ पे दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा उसका इस्तेमाल करेंगे। टोटल हमने 4 पेजेस का इस्तेमाल किया है, ठीक है गाइस। तो हमने टोटल 4 पेजेस का इस्तेमाल किया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज नंबर 1, 2, 3, 4 हम डाल देंगे यहाँ पे। पेज नंबर 1 किधर गया, पेज नंबर 1 सेलेक्ट कर देंगे, पेज नंबर 2 को भी डाल देंगे, पेज नंबर 2 इस तरह से डाल देंगे, पेज नंबर 4, ये देखिए हमने डाल दिया पेज नंबर 1, 2, 3, 4 डाल दिया। तो जब भी ये होम बटन क्लिक होगा, ये देखिए जब भी ये होम बटन क्लिक होगा तो पेज नंबर 1 दिखाई देगा, ठीक है। तो पेज नंबर 1 विजिबल रहेगा, ठीक है। ये सभी को मैं विजिबल कर देता हूँ, विजिबल, और ये जितना भी है इसको मैं गॉन कर दूंगा, गॉन, ये दिखाई नहीं देगा। गॉन का मतलब है दिखाई नहीं देगा, वो बंद रहेगा, ठीक है। तो ये दिखाई देगा और ये बाकी सब बंद रहेगा। पेज नंबर 1 दिखाई देगा जब ये होम बटन क्लिक होगा तो बाकी सब बंद रहेगा, गॉन रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे, इस तरह से सेव कर देंगे, सेव करके बैक कर देंगे, जो सभी में हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। और जब ये बटन नंबर, ये कॉल प्रोफाइल, ये बटन क्लिक होगा, जब ये बटन क्लिक होगा तो ये बंद हो जाएगा, इसको हम कर देंगे गॉन कर देंगे, ठीक है, ये गॉन कर देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये वाला भाग जाएगा, इसका पेज दिखाई देगा, ठीक है। तो जब भी ये तो जब भी ये क्लिक होगा तो ये पेज नंबर 2 को मैं विजिबल कर दूंगा इस तरह से, यहाँ पे देखिए विजिबल और सिलेक्ट, ठीक है, ये दिखाई देगा, ये बंद हो जाएगा। तो हम इसको बैक कर देंगे, इस तरह से बैक कर देंगे, चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में हम इसको ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से हम इसको ले लेंगे यहाँ पे,
ले लिया है, अभी हम इसको विजिबल करेंगे, बाकी सबको गॉन कर देंगे, गॉन कर देंगे, इसको विजिबल कर देंगे विजिबल, ठीक है। ये देखिए हो गया, हम इसको बैक कर देंगे, इसका पर प्रेस करेंगे, इसका पर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इसको ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। अभी मैं ये इसको मैं गॉन कर देता हूँ और इसको मैं विजिबल कर देता हूँ, ये देखिए ओके गाइस, यहाँ पे बन चुका है। हम इसको बैक कर देंगे, ये जो थ्री डॉट बना हुआ है आप इसको इसको प्रेस करना है और यहाँ पे आना है, इसको आपको ऑन करना है, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। और इसका मैं अभी इसको मैं रन करता हूँ, रन करके मैं आपको ये दिखा देता हूँ, तो ये शायद जल्दी से रन हो जाएगा, ठीक है। क्विक 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 भाई क्विक, हाँ हो गया है, तो जल्दी से हो जा भाई। अरे ओपन हो जा रहे भाई, क्या दिखा रहा है ये, हाँ तो ये देखिए ये ओपन हो चुका है, बॉटम नेविगेशन बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, बॉटम नेविगेशन बार ओपन हो गया है, और ये बटन ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए चेंजेस आ रहा है, देखिए, ठीक है गाइस। जब भी इसके बारे में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे होम होम नाम पे आ रहा है, यहाँ पे प्रोफाइल और यहाँ पे देखिए सेटिंग और यहाँ पे देखिए स्टोर, मतलब आपको अपना स्टाइलिश का बनाना है, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में आपको समझा दिया है जो किस तरह से आप बना सकते हैं या फिर ये किस तरह से काम करता है। गाइस ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं स्केच शेयर के अंदर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट चाहिए तो आप इसको स्केच शेयर के अंदर जाके आप इसको स्केच ओयर में इंपोर्ट कर लीजिए। स्केच ओयर के अंदर इंपोर्ट करने के बाद आप इसको देख सकते हैं, इसको आप इसके अंदर से आप सीख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो का अंदर आपको समझ में नहीं आया है तो आप ये प्रोजेक्ट को आप स्केच ओयर में इंपोर्ट करके, तो ये सक्सेसफुली हो गया है, इंपोर्ट करके आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं और इसका अंदर का जो कोड है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारे ये वीडियो अच्छे से बारीकी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में नहीं आया है इस तरह से, ठीक है, आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो का क्वालिटी ज़्यादा करके हेडफोन लगा के मैं जो बोल रहा हूँ और क्या दिखा रहा हूँ आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को दोबारा अच्छे से देख लीजिए, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइस, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं इसी चैनल में अपलोड करते रहता हूँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मैं कोई इसी तरह का नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा तो तुरंत ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, अभी के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।